दोस्तों, अगर आपने अभी तक विचित्र फॉर यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। कुदरत ने हमें ऐसी शक्ति दी है जिसे अगर हम पहचान लें तो निश्चित ही सफलता हमारे कदम चूमेगी। हमारा मन यानी कि माइंड, हमारा माइंड जो चाहता है उसे वो प्राप्त कर लेता है। पूरी जिंदगी में सारा खेल सिर्फ माइंड पर ही निर्भर करता है। यही आपकी लाइफ को सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल बनाता है। लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए सबसे पहले हमें हमारे माइंड को समझना होगा। हमारे माइंड के दो हिस्से हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, यानी चेतन और अवचेतन मन। चेतन मन की शक्ति सिर्फ 10% होती है जबकि अवचेतन मन की शक्ति 90% होती है। आपके लाइफ में जो भी आप डिसीजन लेते हो, चाहे सही या गलत, वो आपका कॉन्शियस माइंड करता है। आपका निर्णय, आपका आईक्यू लेवल, आपका जजमेंट, आपका कोई भी एक्शन, ये सब आपके कॉन्शियस माइंड पर निर्भर करता है। आपका कॉन्शियस माइंड तभी तक काम करता है जब तक आप जागते रहते हो, मतलब जब तक आप सोते नहीं तब तक ये भी नहीं सोता। सबकॉन्शियस माइंड, चूंकि इसकी शक्ति 90% है, इसलिए ये हमारी जिंदगी में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पावरफुल है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में असीमित ज्ञान, बुद्धि, जीवन शक्ति और अनंत ऊर्जा प्रवाहित होती है। आप इसकी शक्ति का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि ये हमारी इतनी जटिल बॉडी को कैसे आराम से नियंत्रित करता है, कैसे हमारे दिल को धड़कना है, कितना धड़कना है, कितना ब्लड प्रेशर रखना है, पाचन क्रिया को कैसे चलाना है इत्यादि। सबकॉन्शियस माइंड में हमारी यादें, हमारा विचार, हमारा अनुभव, इन सभी चीजों को संग्रहित रखता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कभी बंद नहीं होता, ये हर पल अलर्ट रहता है, चाहे आप जब जाग रहे हो या सो रहे हो, ये हरदम जगा रहता है। सबकॉन्शियस माइंड को आप जो भी बताओगे ये वैसा ही करेगा। ये आपका वो गुरु है जिसके पास आपके हर समस्या का समाधान है, और ये गुरु आपके अंदर ही है। लाइफ में बहुत से लोग सक्सेसफुल होते हैं और बहुत से लोग अनसक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को जानते हैं, समझते हैं। वो ये जानते हैं कि उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव वे में कैसे यूज करना है। अनसक्सेसफुल लोग ना ही इसे जानते हैं और ना ही इसे समझते हैं और ना ही इसको कभी यूज कर पाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड के पास इतनी पावर होती है कि वो आपके विचारों को, आपके इमेजिनेशन को रियलिटी में बदल देता है। जैसे अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि वो अपने क्लास में कभी फर्स्ट नहीं आ सकता, वो हरदम ये बात सोचते रहता है, तो वो वाकई में कभी फर्स्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो ये बात इनडायरेक्टली अपने सबकॉन्शियस माइंड को बता रहा है कि मैं कभी फर्स्ट नहीं आ सकता। और सबकॉन्शियस माइंड की एक खूबी है जो वो आपकी हर बात मानता है, चाहे वो आप सही कहो या गलत कहो, पॉजिटिव कहो तो भी मानेगा, नेगेटिव कहो तो भी मानेगा। इसीलिए वो बच्चे की भी बात मान लेता है और उसे क्लास में कभी फर्स्ट नहीं आने देता। लेकिन जो बच्चा ये सोचता है कि उसे फर्स्ट तो आना ही आना है, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे फर्स्ट लाने के लिए जी तोड़ मेहनत करवाएगा, और वो सब करवाएगा जिससे कि वो बच्चा फर्स्ट आ सके, और वो बच्चा आज नहीं तो कल फर्स्ट जरूर आ जाएगा। इसलिए हमेशा कहा जाता है थिंक पॉजिटिव एंड बी सक्सेसफुल, क्योंकि जब आप जानबूझकर पॉजिटिव सोचने लगते हैं तो पॉजिटिव बातें आपके कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाती हैं और आप सक्सेसफुल बन जाते हैं। आप इसका लाइव एग्जांपल कीजिए, जिसे अफर्मेशन कहा जाता है। लेकिन आपको ये करने से पहले ये सुनिश्चित करना होगा कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर पर बिलीव करते हो या नहीं, क्योंकि अगर आप इस पर बिलीव नहीं करोगे तो ये टेक्निक आप पे काम नहीं करेगी। आप रोज रात को सोने से पहले 20 बार उल्टी गिनती गिनते हुए आप मन को पहले शांत करिए, फिर जब गिनती खत्म हो जाए आप अपने मन से कहिए, मैं कल से जिम जाऊंगा या मैं कल से सुबह 6 बजे जगूंगा। हालांकि ये एकदम से काम नहीं करेगा, क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड आपके और आपके सबकॉन्शियस माइंड के बीच में दीवार बन के खड़ा हो जाएगा। लेकिन जब आप इस टेक्निक को अपनी हैबिट बना लेते हैं तो आपका कॉन्शियस माइंड इन बातों से सेटिस्फाइड हो जाएगा और आपका ये मैसेज आपके सबकॉन्शियस माइंड को भेज देगा, और आपका सबकॉन्शियस माइंड जैसे ही इस मैसेज को पाएगा आपको जिम भी भेजेगा और सुबह 6 बजे भी जगाएगा। अब अगर कोई इंसान इस टेक्निक से ये सोचेगा कि मैं करोड़पति बन जाऊं,
तो ऐसा नहीं है कि उसके घर में पैसे का पेड़ लग जाएगा, बल्कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको करोड़पति बनने के रास्ते दिखाएगा और तरह तरह के आइडियाज भी देगा, और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए एक लक्ष्य निर्धारित करेगा और आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर संभव प्रयास करने लग जाएंगे। हो सकता है इस लक्ष्य को पाने में कभी जीतेंगे कभी हारेंगे, लेकिन जब तक ये हार आपके अंदर नहीं होती तब तक तो सब ठीक है, लेकिन जिस दिन ये हार आपके अंदर हो गई, समझो कि आप कभी जीत नहीं पाओगे। इसलिए कहते हैं, गिरना हार नहीं है, गिर के खड़े न होना हार है। तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना है समझा है तो आज ही अपना एक लक्ष्य निर्धारित करिए, क्योंकि जिस व्यक्ति का अपना कोई लक्ष्य नहीं होता वो जीवन भर दूसरों के लक्ष्य के लिए मेहनत करते रहते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट करके मुझे अपने विचार भी जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।